आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। नगरपालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद से ही सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया था। अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़ गए हैं। नगर पालिका श्रीनगर को नगर निगम बनाने की घोषणा के बाद से ही सरकार के इस फैसले का विरोध होना शुरू हो गया था। अब नगर निगम में शामिल किए जा रहे 7 ग्राम सभाओं के ग्रामीण भी नगर निगम में शामिल न होने की मांग पर अड़ गए हैं। इस संबंध में नगर निगम में शामिल होने जा रहे 7 गांवों के प्रधानों ने जिला प्रशासन को अपना आपत्ति पत्र सौंपा। ग्राम प्रधानों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने से उन्हें सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही जिन गांवों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा वे सभी कृषि पर निर्भर गांव हैं। नगर निगम में शामिल होने के बाद ग्रामीणों से उनकी कृषि भूमि भी छीन जाएगी। हम जो आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जो बुलाई गई है बैठक, वो इसलिए की कि जो एकदम ही जो ये निर्णय लिया गया है कि नगर निगम में सम्मिलित होने का, तो हम इसके विरोध में यहाँ पर हमने ये बात रखी है कि ये इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा फैसला और इतने जल्दी हम मतलब ये फैसला ले लिया है, तो ये एक तरफ से गलत है। हम लोग आपत्तियां मांगेंगे, लोगों से आपत्तियां मांगेंगे, बाकी देखते हैं। अगर मंत्री जी को मंत्री जी चाहते हैं कि ये सीट से महिला को हटा के और वो प्रशासक बैठा के या अपना कोई जनप्रतिनिधि बैठा के वहाँ पे, तो मैं तैयार हूँ मंत्री जी के साथ लड़ने के लिए और मैं मंत्री जी को खुले चुनौती देती हूँ कि कराइए चुनाव दोबारा और मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा नगर निगम को लेकर ग्रामीणों से जो आपत्ति मांगी गई है उसके लिए 6 दिन का समय दिया गया है। इस बीच त्योहार भी हैं, ऐसे में शासन द्वारा ग्रामीणों से मांगे जाने वाली आपत्ति की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगम के फैसले को लेकर सभी ग्रामीण हाई कोर्ट में सरकार को चुनौती देंगे। श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं।